तो इन 2 बाई 2 मल्टीप्लायर, बाइनरी मल्टीप्लायर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं. तो बाइनरी, लेट अस अज्यूम वी आर हैविंग टू नंबर्स, नंबर बी एंड नंबर ए. अभी हम लोग 2 बाई 2 कर रहे हैं, तो बोथ नंबर्स आर ऑफ 2 बिट्स, मीन्स B1 एंड B0 बिट्स होंगी. 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, आउट ऑफ 4 कॉम्बिनेशन. सिमिलर वे में ये होगा, तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है. तो फिलहाल यहाँ जो माना गया है, फॉर दिस एग्जाम्पल वी आर मल्टीप्लाइंग B इंटू A. A इज द मल्टीप्लायर एंड B इज द मल्टीप्लीकेट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया था डिस्कस, ब्रीफली जल्दी से मैं डिस्कस कर लेती हूँ. तो ये क्या हो जाएगा टर्म, A0 इंटू B0. दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A0 इंटू B1. फर्स्ट वाला हम लोग वैकेंट छोड़ेंगे स्पेस, फिर क्या होगा, A1 इंटू B0 एंड नेक्स्ट टर्म विल बी A1 इंटू B1. तो टोटल नंबर ऑफ एंड गेट्स कितने रिक्वायर्ड है हमको यहाँ पे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. नंबर ऑफ एंड गेट्स, ये अगर हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं एन इंटू एम के फॉर्म में, इफ इट इज एन इंटू एम, वेयर एम इज द मल्टीप्लायर, एन इज द मल्टीप्लिकेंट, तो नंबर ऑफ एंड गेट्स कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ एंड गेट्स इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, 4. या इस पर्टिकुलर केस के लिए 4 हो जाएंगे, और इन जनरल केस एन इंटू एम हो जाते हैं. तो फॉर दिस एग्जाम्पल नंबर ऑफ एंड गेट्स विल बी 4. तो अब हमें पता है कि दिस विल बी सेम नंबर. अब यहाँ पे हमारे पास इसके लिए क्या चाहिए मुझे, एडर. यहाँ मुझे क्या रिक्वायर्ड है, एडर. और ये वाले सिंपल जो इंडिविजुअल टर्म्स है इनके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, 4 एंड गेट्स. अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है नंबर ऑफ एडर्स की, यहाँ पे हमें कोई एडिशन की रिफैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी डिजिट होगी आइदर 0 और 1 वो हमारी डायरेक्टली कॉपी हो जाएगी. यहाँ पे हमारे पास क्या, वी नीड सम एडर, बट यहाँ पे हम हाफ एडर से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बिकॉज देर इज नो कंडीशन ऑफ कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेज. यहाँ से कोई कैरी अगर नहीं होगा तो 3 इनपुट पॉसिबिलिटी नहीं है. फॉर दिस केस दिस इज द सिंपलेस्ट मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे हम लोग हाफ एडर से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली 2 इनपुट्स. तो 2 इनपुट्स के लिए हमारा हो जाएगा इसका सम. तो ये हमारा एक, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लूँ कि सम बिट S0 आ गई, S1 यहाँ पे C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो C0 ही लिख देते हैं, C0 C1. नेक्स्ट कैरी की पॉसिबिलिटी है जनरेट होने की, कैरी अगर 1 1 है ये दोनों बिट, तो कैरी की पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे जनरेट होने की. जब कैरी की पॉसिबिलिटी होगी हमारी जनरेट होने की, तो वो हमारी ऐड होनी चाहिए यहाँ पे. सेम एक्सप्रेशन को जो हमारा है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग हाफ एडर एंड एंड गेट्स, यूजिंग हाफ एडर एंड एंड गेट्स. इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग से ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. तो फर्स्ट हमारी टर्म है आंसर में A0 इंटू B0. तो दोनों में हमारा, एक में A0 हमारा कॉमन है, दूसरी टर्म में A1 कॉमन है. A0 इंटू B0 टर्म क्या है हमारी, प्रोडक्ट टर्म डायरेक्टली हमारी है. दूसरा प्रोडक्ट टर्म है A0 इंटू B1, A0 इंटू दिस B1. लेकिन ये A0 इंटू B1 हमारी क्या हो रही है, ऐड हो रही है. किस टर्म से ऐड हो रही है, जल्दी से बोलिए. A1 B0. A1 इंटू B0 से ऐड होगी, किसके थ्रू, एडर. हाफ एडर यूज किया है, फुल एडर हम जरूरत नहीं है यूज करने के लिए, वी कैन यूज फुल एडर आल्सो, बट उसमें फिर कैरी इनपुट में परमानेंट 0 दोगी तो कॉम्प्लेक्स सर्किटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो दिस विल बी सम बिट फॉर दिस, मतलब हमारे लिए प्रोडक्ट टर्म है ये. और इसके कैरी क्या होगा, जो उसका भी कैरी आउट होगा वो हमारा नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, क्योंकि हमें ऐड करना था अभी जो एक्सप्रेशन लिखा था उसके हिसाब से.
और नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए वन इंटू, ए वन इंटू बी वन, अभी एक क्वेश्चन था, ए वन इंटू बी वन हाफ एडर, इसके कितने आउटपुट होंगे हाफ एडर के, टू आउटपुट्स होंगे। तो फाइनल टर्म हमारी अगर प्रोडक्ट टर्म्स की सी नॉट, सी वन, सी टू एंड सी थ्री, तो ये हमारा कौन सा मल्टीप्लायर हो गया, एरे मल्टीप्लायर। सिमिलर वे हम लोग दूसरा भी बना सकते हैं, 4/3 मल्टीप्लायर। फोर बाई थ्री मल्टीप्लायर में मल्टीप्लिकेंट बिट्स आर 4, मल्टीप्लायर बिट्स आर 3, तो हम यहाँ पे उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एंड केस निकालेंगे, सारी चीजें सॉल्व करेंगे और आ जाएंगे। और 4-bit by 3-bit मल्टीप्लायर नंबर ऑफ एंड गेट्स आर 12, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, प्रोडक्ट बिट्स कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बिट्स इज ऑलवेज एन प्लस एम, मीन्स फॉर दिस केस कितनी हो जाएगी, 7। इन दिस एग्जाम्पल B number is multiplier and A number is multiplicand. तो जो भी हमारा multiplier होगा वो हमारा हर स्टेज पे कॉमन होगा, हर स्टेज जितनी हमारी मल्टीप्लायर बिट्स होंगी, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लायर बिट्स हैं तो मेरे पास 3 स्टेजेस ऑफ एंड गेट्स होंगी, अगर मेरे पास 4 मल्टीप्लायर बिट्स होती तो मेरे पास कितना होती, 4 स्टेजेस ऑफ एंड गेट्स होता। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी आएंगी वो इजीली पता चल जाएंगी विद द मल्टीप्लायर बिट्स। तो यहाँ हमारा क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन को इजीली आता है कि ए नॉट इंटू बी नॉट हुआ, ये टर्म डायरेक्टली आनी है हमारी, उसके बाद ए वन इंटू बी नॉट हुआ दिस वन, फिर बी नॉट इंटू ए टू, फिर बी नॉट इंटू ए थ्री, तो सारे ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं तो एंड गेट रिक्वायर्ड है। सिमिलर वे में बी वन विल बी मल्टीप्लाइड टू ए नॉट, ए वन, ए टू एंड ए थ्री, फिर ये मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एडर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि वी कैन यूज हाफ एडर आल्सो, बट यहाँ पे फुल एडर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि कैरी की कंडीशन नहीं है, हाफ एडर यूज करेंगे, इधर फुल एडर यूज करेंगे, कैरी आ सकता है, तो सिमेट्री नहीं रहती है सर्किटरी, और सिंपली हमारे पास 4-bit एडर की आईसी अवेलेबल होती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4-bit एडर की आईसी यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट बिट हमारी ऐड होंगी दोनों नंबर्स की, पार्शियल प्रोडक्ट्स की, फिर सिमिलर वे में नेक्स्ट हमारी पहले पार्शियल प्रोडक्ट्स की बिट्स आएंगी, ऐड होंगी, फिर उसका कैरी अगर जनरेट होता है तो पार्शियल प्रोडक्ट्स ऐड होंगे और यहाँ पे एक पार्शियल सम की फॉर्म में आएगा आंसर, दैट विल बी एडेड टू दीज प्रोडक्ट टर्म्स Using another 4-bit adder. तो ये वाला step हमें clear है कि हमारा जो ये 3 stages पे जा रहा है, तो first में हमारा first वाला adder जो use हो रहा है 4-bit वाला, वो हमारा use हो रहा है सिर्फ ऊपर वाले दो partial products को आपस में add करने के लिए। जब दो partial products को हम add करेंगे तो let us assume हमारा कोई sum bits आएंगी, जो हमारे answer के product bits हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे sum bits की form में आएंगी, तो let us assume कि हमारी sum bits यहाँ पे आई S naught, S1, S2 and S3. These bits will be added using another adder. These bits will be added using another adder. तो ये S0 तो मेरा as it is copy हो जाएगा S C1. ये दोनों का S1 और ये वाला जो product term है add होगा C2. Similar way में remaining product terms आ जाएंगे और last में possibility होती है अगर यहाँ से carry one आता है for example. तो यहाँ पे भी वन वन होगा अगर बाई चांस, तो यहाँ पे भी फाइनल कैरी की पॉसिबिलिटी होती है। तो बस हमने इसी को इम्प्लीमेंटेशन किया है क्योंकि 3 स्टेजेस आ रही हैं, बिकॉज वी हैव 3-bit मल्टीप्लायर टर्म, 3-bit मल्टीप्लायर के कारण 3 स्टेजेस आ रही हैं, एंड गेट्स हमने 3 स्टेजेस पे लगाए हैं, 4-4 एंड गेट्स, ये नंबर ऑफ एंड गेट्स इन ईच गेट किस पे डिपेंड करेगा, मल्टीप्लिकेंट बिट्स पे, क्योंकि 4 मल्टीप्लिकेंट बिट है, तो एट ईच स्टेज वी विल हैव 4 एंड गेट। ये वाला हमारा ए नॉट,
इंटू बी नॉट कर रहा है, दिस टर्म इज ए नॉट इंटू बी नॉट, तो डायरेक्टली आ रही है बिकॉज हियर वी डोंट नीड एनी एडिशन ऑपरेशन. तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी टर्म है बी नॉट ए वन और बी वन ए नॉट, इन दोनों को क्या करना है मुझे ऐड करना है. तो हमारा क्या हुआ, बी नॉट ए वन यहाँ पे आएगा, ठीक है. और दूसरा वाला जो हमारे पास एक्स और वाई दो नंबर्स होते हैं ना 4 बिट के एडर में, बी वन और ए नॉट, तो ये वाली बिट इस वाली बिट से ऐड हो जाएगी. सिमिलर वे में जो भी कैरी मेरी जनरेट होगी यहाँ पे वो कैरी मेरी नेक्स्ट स्टेज पे ऐड हो जाएगी. तो अभी तो जो हम एडिशन कर रहे हैं फर्स्ट एडर से वो सिर्फ यहाँ तक की कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड करके कर रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया था. तो यहाँ पे इसको ऐड करके तो यहाँ पे हमारा जो ऐड हो गया दोनों नंबर बिट हमारी, यहाँ पे कैरी आ रहा है सी, तो जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी ऐड हो जाएगा. तो क्या है बी नॉट ए टू, बी नॉट ए टू यहाँ पे आएगा, बी नॉट ए टू ये हो गया. नेक्स्ट इज बी वन ए वन, बी वन ए वन इज दिस, ए वन ये बी वन ये, तो बी वन ए वन. तो सिमिलर वे में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बी वन ए टू एंड बी वन ए थ्री. एड हो गए. अब यहाँ पे क्या है मेरे पास फाइनल जो हमारा ये होगा, क्योंकि 4 बिट का एडर है ना जो एक्स है, दिस इज 4 बिट नंबर, तो फर्स्ट 3 बिट्स तो हमने यूज करी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 3 बिट्स ही थी ऐड कराने के लिए, ये तो हमारा आ गया था. तो लास्ट जो एमएसबी है उसको क्या पुट कर दिया हमने, 0. तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर है अगर मैंने एमएसबी में 0 पुट कर दिया तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल सम में. तो यहाँ पे भी जो हमारी सम बिट है वो एस नॉट एस वन एस टू एस थ्री जनरेट होंगी, लेकिन मुझको पता है कि ये वाला जो सम बिट है this will come directly as C1, this sum bit will come directly as C1, तो C1 यहाँ पे directly extend कर दिया गया है. remaining 3 bits को हमने क्या करा है यहाँ पे दिया है और final carry को, तो ये हमारा अब all 4 bits use हो रही है x में. similar way में हमने ये input दिया है यहाँ पे भी carry input 0 है, यहाँ पे भी क्योंकि full adder use होता है first stage पे, तो final हमारे 4 sum और 1 C out final वाला generate होकर total 7 bit of product terms आ गई, 7 bit product terms आ गई, product bits आ गई. This is 4/3. इससे बड़ा आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 4/4 अगर हमारा बनता है तो, या हम 3/4 भी बना सकते हैं सिमिलर वे में. 4/4 बनता है तो टोटल 16 एंड गेट्स, टोटल 8 ये हमारी प्रोडक्ट बिट्स. तो सिमिलर वे में हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 stages of AND gates आएंगे क्योंकि मल्टीप्लायर बिट क्या है 4 bits.